ये सामने जो मस्जिद है ये दमाम सिटी की मशहूर है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जलेबियों वाली दुकान है। एक वो मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ कि उस जलेबियों वाली दुकान के ऊपर जाऊँगा ना मैं किलो जलेबियों का रेट पूछूँगा ना तो वो एक ही बताएगा। ये जो सामने आप झंडा नज़र आ रहा है ना सियालकोट स्वीट पाकिस्तान रेस्टोरेंट, यहाँ पर जाऊँगा ना तो यहाँ पर से मैं पूछूँगा ना कि जलेबियों का रेट किलो क्या है तो वो भी सेम ही बताएगा। ये नहीं कि वो एक रियाल या आधा नुस रियाल भी कोई फ़र्क आगे पीछे होगा, नहीं, वो जो कॉर्नर में सामने दुकान है ना उस पर भी रेट पूछूंगा तो सेम एक ही मिलेगा। कोई भी चाय का रेट पूछूंगा तो सेम मुझे एक मिलेगा। ज़बरदस्त स्टैंड लगे मोबाइलों के, वो ज़बरदस्त हमारे पाकिस्तानी भाइयों के साथ जो है ना बहस हो रही है। ये बंगाली भाई जो है ना महंगा दे रहा है प्याज, उनको रेट ज़्यादा बता रहा है उनको। मेरा यूट्यूब चैनल ही चेक कर ले, मुश्किल नहीं है। ये रोड के ऊपर अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद असद सऊदी अरबिया से। आज इस वीडियो के अंदर मैं तीन चार बातों के जवाब भी दूंगा और कुछ भाइयों के सवाल थे जो मैं इस वीडियो के अंदर वो शेयर करूंगा आपके साथ। काफ़ी दोस्त मुझसे सवाल भी करते हैं आप क्या काम करते हैं, उसके भी जवाब दूंगा और भी कई ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और साथ साथ हम देखेंगे आज अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया की खूबसूरत सिटी के सऊदी अरेबिया के खूबसूरत शहर कौन कौन से हैं वो भी बातें करेंगे, और मैं आज कौन से खूबसूरत शहर की बात करने वाला हूँ वो भी इसी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं आपके साथ बैक कैमरे की तरफ चलता हूँ और आपको दिखाऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। चलते हैं, आज की वीडियो में बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करूँगा, जिस तरह है इसी तरीके से ही मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की, अगर नहीं तो फिर एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो चलते हैं अपने बैक कैमरे की तरफ, फिर आपके साथ ये खूबसूरत सिटी का व्यू आपके साथ शेयर करते हैं। चलते हैं जी। तो दोस्तों हमने बैक कैमरा ओपन कर लिया है और साथ साथ यहाँ पर हम आज मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। अगर जो सऊदी अरेबिया के इस वक्त इस शहर को जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपके साथ वो शेयर करेंगे कि ये शहर अगर गेस कर सकता है तो गेस करके ज़रूर बताए कि शहर कौन सा है। काफ़ी कुछ मैं मशहूर चीज़ें भी इस वीडियो के अंदर दिखाऊँगा जिसमें जो सऊदी अरेबिया में रहने वाले हैं वो तो ज़रूर गेस कर जाएँगे कि ये जगह कौन सी है। सामने ये भी काफ़ी मशहूर मार्केट है सिटी फ्लावर, उसके बाद ये इशारा जो है टेली मनी इशारा है जो कि दमाम सिटी में ये वाकया है, और ये सऊदी अरेबिया की मशहूर सिटी में से ये मार्केट है जहाँ पर मैं आपको सामने ये दिखा रहा हूँ जो आप देख रहे हैं सामने, ये सिको मार्केट है। यहाँ पर सिको मार्केट सऊदी अरेबिया के किसी सिटी के अंदर आप मौजूद हैं, यूट्यूब पर सर्च करें, गूगल पर सर्च करें, किसी जगह से भी आप मालूम करना चाहेंगे तो आपको इसकी मालूम मिल जाए कि ये सिको मार्केट है। सामने वाला इशारा खुलने वाला है वैसे तो हम चलेंगे, वैसे सामने वाला इशारा भी खुल गया था और मैंने जल्दी जल्दी जो है ना सड़क पार की, और उसके बाद ये है, ये मैं अभी जहाँ पर घूम रहा हूँ ये सिको मार्केट है। अभी ज़्यादातर तो बहुत सारे मेरी तरफ देखते रहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं खुद क्या करूँ यहाँ। एक रेड़ी वाला जो है ना पीछे खड़बड़ लगा रखी है। तो मैं क्या काम करता हूँ इस वक्त की बात की जाए तो दोस्तों मैं बिल्कुल फारग हूँ, बिल्कुल भी फारग हूँ, एक टके का काम नहीं कर रहा, एक रियाल का काम नहीं कर रहा। तो ये कितने दिन हो गए ईद को गुजरे हुए, इससे पहले के काम पर गए हुए हैं, ईद के बाद काम पर नहीं गए अभी तक, ना मिल ही रहा है काम। अगर मिले तो हम ज़रूर शेयर करते हैं काम मिला है कर, और वीडियो भी बनाते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, काम भी दिखाते हैं। कोई हमसे कुछ छीन नहीं सकता, यानी कि मतलब पैसा हम कमाते हैं तो कुछ छीन लेगा, अपनी मेहनत होती है, लेकिन अगर मिलेगा तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन मिल ही नहीं रहा। तो जनाब हर कोई देखता है मेरे वो स्टैंड, एक मेरे पास बहुत लोकल सा स्टैंड है, हर कोई देखता है मेरी तरफ़ कि यार ये क्या आदमी क्या कर रहा है। अगर हाथ में मोबाइल पकड़ लो तो फिर कोई टेंशन नहीं है, कोई नहीं देखता, लेकिन यहाँ पर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देखेंगे अपने पाकिस्तान इंडियन बांग्लादेशी भाई। तो ये मशहूर है, ये सामने जो मस्जिद है ये दमाम सिटी की मशहूर है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है वीडियो जो काफ़ी लंबी हो जाए, लेकिन इसमें मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं काम पर जा रहा हूँ या नहीं। ईद के बाद बिल्कुल भी सच पूछे तो काम पर नहीं गया। अगर मैं यार झूठ बोलूँ कि मैं काम पर जा रहा हूँ, मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, तो बात गलत है, फ़ायदा नहीं है उसमें।
कमाते थे लेकिन अब नहीं, अब नहीं कमा रहे। क्यों? काम नहीं मिल रहा तो अपने मुल्क छोड़ कर इसीलिए आकर बैठे हुए यहाँ पर काम करने के लिए। क्या ख्याल है दोस्तों? और मैं यही काफ़ी कुछ लोगों से बातें भी करता हूँ कि भाई जान सोच समझ के अपना वीज़ा लिया करें, क्या काम आप करते हैं, क्या जानते हैं। लेकिन मेरे से एक दो कमेंट आया कि आप लोगों को डराते हैं, लोगों को डराते हैं, इधर पहले ही हुकूमत ऐसी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो आदमी करे तो क्या क्या करें। देखे झूठ बोलने के भाई बहुत काम है, दो चार एक आदमी पैसे लगा कर 6-7 लाख 8 लाख आए तो आए, वो देखे यहाँ पर कितने परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक एजेंट तो आदमी होता है ना, वो वीज़े भेज देता है कि यार बड़ा काम है जी, आ जाओ जल्दी करो, तुम लेट हो रहे हो, तुम यहाँ पर इतने पैसे कमाओगे, ये आदमी फलां इतने कमा रहा है, तुम क्यों नहीं कमा रहे, तुम वहाँ पर बैठे हुए हो, अगर है तुम्हारे पास ज़मीन प्लाट को बेचो तो आ जाओ, जेवर बेचो, घर बेचो तो आ जाओ। एजेंट ने तो पैसे लेने होते हैं ना भाई जान। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ बताता हूँ, मैं तो ना कोई लेने वाला हूँ कोई पैसा, ना बात कुछ ऐसी कुछ चक्कर कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ अपने भाइयों को, बताता भी रहता हूँ कि यार आप किसी से ज़रूर मशवरा करें, गलत बात है तो फिर तो समझे ना कि भाई ठीक है भाई, आदमी बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, नहीं आप आओ लेकिन किसी से इंफॉर्मेशन लेने के बाद आओ। ताकि देखो मैं फारग बैठा हूँ ना, मैं हर अपनी वीडियोज़ काम आपके साथ शेयर करता रहता हूँ यूट्यूब के ऊपर, अपने इस चैनल के ऊपर मैं शेयर करता रहता हूँ। दूसरा भी मेरा चैनल है, उस वो है मेरा रिजवान असद व्लॉग, ये है मेरा असद सदीक टीवी चैनल, इस पर मैं वीडियो काफ़ी अपलोड करता हूँ, इंटरव्यूज़ करता हूँ यहाँ पर लोगों के, आपको दिखाता भी रहता हूँ। तो यही मेरा एक प्रोसीजर है यहाँ पर, इस वक्त सिर्फ आमदन है तो जो है वो यूट्यूब से है, बाकी और कोई चक्कर नहीं है। तो बात की जाए इस वक्त सऊदी अरेबिया के पैसे कमा कर बेचता हूँ तो अब नहीं है वो बात। 3 से 4 महीने मैंने पहले भी एक वीडियो शायद अपलोड कर चुका हूँ, 3 से 4 महीने हो चुके हैं मैं पैसे ही नहीं बेच पाया। क्यों नहीं बेच पाया? ये काम नहीं है, काम सिर्फ उतना होता है कि सिर्फ अपने लिए कमा कर बेच सकते हैं। अगर सोचे ना कि हम यहाँ से, मैं सड़क क्रॉस करूँगा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है यहाँ पर, तो अगर मैं बात करूँ ना कि मैं पैसे कमा कर घर भेज रहा हूँ तो वो बात गलत होगी। क्यों? मेरे से कौन कुछ छीलेगा, मेरे घर से कुछ छीन लेगा? नहीं, लेकिन मेरे को पैसा नहीं मिल रहा तो क्या करेगा, काम नहीं मिल रहा, मसला ये है सारा। काम मिलेगा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन भी लग जाएगा तो फिर तो बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त, यानी एक दिन का 200 रियाल मिलेगा तो अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह पैसा बन सकता है मेरा। यानी मैं 2-3 दिन भी यहाँ पर काम करूँ तो फिर यानी अच्छे खासे 1 महीने का मेरा खर्चा घर का चल जाता है। बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो चुके हैं, स्कूलों में जा रहे हैं। तो बाकी कुछ ऐसे भी भाई हैं जो कमेंट करते हैं, यार अगर काम नहीं है तो फारग बैठे हो तो उधर क्या कर रहे हो तुम? भाई जान पाकिस्तान से बेहतर हैं, अगर ये बात कही जाए ना तो कि मैं इधर बैठा हूँ फारग हूँ यानी काम शाम नहीं है, तो भाई जान मैं ये कहूँगा कि हम पाकिस्तान से बेहतर हैं। यहाँ पर 4-5 दिन 3 दिन भी लगा लेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना भी खर्चा थोड़ा कर लेंगे और घर वालों को थोड़ा को भेज सकते हैं, तो पाकिस्तान से बहुत ही अच्छे हैं। पाकिस्तान में 24-25-30 दिन भी काम करूँगा तो वो मेरी पूरी ही नहीं पड़ेगी। पता नहीं इस पैसे में बरकत है, सऊदी अरेबिया के रियाल में बरकत है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि 10 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ बनाया, जो मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो फिर शेयर करूँगा ना आपके साथ, अपने घर बार जो बनाए मैंने, वो प्लाट जो कुछ लिया मैंने सऊदी अरेबिया की कमाई करके। जब मैं आया मेरी तो मूछें दाढ़ी भी नहीं थी, इतना छोटी सी उम्र में आ गया मैं, 10-12 साल हो चुके हैं आए हुए इधर, अभी तो दाढ़ी भी भर के आ गई, मूछें भी भर कर आ गई हैं। तो ये मेरा सीन है यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर। तो लेकिन अब 10-11 साल हो चुके हैं, मुझे अब नहीं कुछ समझ आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं खुद समझ नहीं पा रहा सच पूछें तो। फारग रह के ना एक तो कमर भी दर्द करता रहता है तो एक काम भी नहीं मिलता है, अगर काम मिले तो फिर तो टेंशन ही नहीं है ना, आदमी का दिल लगा रहता है तो मूड भी अच्छा रहता है आदमी का। और देखे फारग रहते हैं तो हम सुबह भी अपने खान नाश्ता करना होता है, 12 बजे का भी अपने जेब से लंच करना होता है, शाम का भी अपने जेब से जाता है, और रूम का और बिजली भी इतनी महंगी है यहाँ पर भी, पाकिस्तान के सेम पाकिस्तान में लोग बोलते हैं ना कि यार बिजली बहुत महंगी है, ये हो गया वो हो गया, यहाँ पर भी ऐसा हिसाब है। लेकिन ये नहीं है कि आप किसी शॉप पर जाएंगे, सामने जलेबियों वाली दुकान है, एक वो मिसाल के तौर दे रहा हूँ कि उस जलेबियों वाली दुकान के ऊपर जाऊँगा ना, मैं किलो जलेबियों का रेट पूछूँगा ना तो वो एक ही बताएगा। ये जो सामने आप झंडा नज़र आ रहा है ना, सियालकोट स्वीट पाकिस्तान रेस्टोरेंट,
यहाँ पर जाऊँगा ना तो यहाँ पर सब मैं पूछूंगा ना कि जलेबियों का रेट किलो क्या है, तो वो भी सेम ही बताएगा। ये नहीं कि वो एक रियाल या आधा नुस रियाल भी कोई फ़र्क आगे पीछे होगा, नहीं, वो जो कॉर्नर में सामने दुकान है ना उस पर भी रेट पूछूंगा तो सेम एक ही मिलेगा। कोई भी चाय का रेट पूछूंगा तो सेम मुझे एक मिलेगा। अगर गोश्त वाली दुकान पर जाऊँगा तो मुझे गोश्त सेम मिलेगा। मैं चाहे कहीं भी जाकर सऊदी अरेबिया में पता करूँगा तो मुझे गोश्त का रेट एक ही मिलेगा। ये नहीं कि मुझे कोई और बता रहा है, कोई रेट और बता रहा है, नहीं, सेम रेट मुझे यहाँ पर देखने को मिलेंगे एक ही। कोई यहाँ पर ड्रामेबाजी नहीं है जिस तरह के पाकिस्तान में होता है। हर दुकानदार की अपनी मर्ज़ी होती है, ले रहा है रेट ले रहा है, अपनी मर्ज़ी से करता है। जिस तरह बोलता है जी भाई पीछे से हुकूमत महंगाई कर रही है, हम क्या करें, लेना है तो ले लें, नहीं तो जाएँ, ऐसा कोई बात नहीं करेगा यहाँ पर। ऐसा कोई नहीं कोई करेगा कि आपने लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो आप जाएँ, नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आपने लेना है ठीक है, नहीं लेना आपकी मर्ज़ी है, आपको कोई भी नहीं ये बोलेगा। आप रख दो इधर, नहीं रखोगे लेके जाओगे तो आप पैसा दोगे, नहीं दोगे लेके जाओगे तो पैसा नहीं दोगे। यानी ये मसला है कि आप कोई भी चीज़ लेकर जाना चाहते हैं दुकान से तो आप पैसे उसके पे करेंगे जाने से पहले। तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, बहस मुबहसा कोई भी दुकानदार किसी के साथ नहीं करता, गाहक दुकानदार के साथ नहीं करता, दुकानदार गाहक के साथ नहीं करता। इतने मैं छोटी छोटी अपनी रूटीन जो कि अपनी शेयर भी करता रहता हूँ। बहुत सारे भाई जो कमेंट करते हैं ऐसे हैं, इस तरह के दिलावर प्रो एक भाई है वो भी ऐसे कमेंट कर रहा था, मैं उसके कमेंट कॉपी किया और मैं स्क्रीनशॉट लिया और मैं शेयर भी करने वाला हूँ, कर रहा हूँ यानी कि आपके साथ। वो इसने मेरे साथ ऐसे बोला कि भाई मतलब आप क्या काम करते हो, मैंने तो सीधा बताया मैं चलो स्टील फिक्सर का काम करता हूँ, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फारग बैठा हूँ, क्या कहूँ यार, तकरीबन इनसे पहले के काम नहीं है। बहुत सारे मैं दोस्तों को यानी कि बात करना चाहता हूं तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम नहीं कैमरे के सामने आएंगे, भाई हम नहीं आ सकते, नहीं शर्माते बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं इधर बहुत सारे अपने पाकिस्तानी भाइयों को यही मशवरा देता हूं, यार देखो फारग बैठे हो सारा दिन टिक 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 व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, कोई अपने अपने मगर में, और साथ रूम में दूसरे गद्दे वाला भी बीमार होगा ना तो नहीं पता होगा, मुमकिन वो हमें ख़बर पाकिस्तान से मिलेगी कि तुम्हारे साथ वाला गद्दे पर जो बैठा हुआ है वो रूम पर है, रूम में बीमार है, तुमने उसके तीमारदारी नहीं की, उसको दवाई नहीं ला के दी, पूछा नहीं। ऐसा सीन है कि हमको ये पता ही नहीं चलता, हर कोई अपने वो कानों में हैंड फ्री लगाता है और हर अपने अपने मोबाइल में मगन रहता है, टिकटॉक चलाता है, जो मर्जी। यहाँ पर जो फारग है वो यही काम करता है। तो बाकी मैं अपने यहाँ पाकिस्तानी भाइयों को यही मशवरा दूँगा कि अगर आप सऊदी अरेबिया में फारग हैं, आपके पास काम नहीं, तो आप कोई भी काम जानते हो, कोई भी काम जानते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही काम जानते हों या दूसरा काम जानते हों तो वीडियो अपलोड करें। मैं यही कहूँगा अपने पाकिस्तानी भाइयों से, आप कोई भी काम जानते हो, चाहे स्टील फिक्सर हो, चाहे कारपेंटर हो, टाइल के कारीगर हो, प्लस्तर के हो, तबूक लगाने वाले हो, जिप्सम बोर्ड के हो, एलुमिनियम के कारीगर हो, शीशा लगाने के, कोई भी शॉप पर काम करते हो, मीट यानी गोश्त की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर काम करते हो, कोई भी यानी काम करते हो, मतलब आप होटल पर काम करते हैं, खाना पकाते हैं, तंदूर पर काम करते हैं, रोटियां लगाते हैं, कोई भी यानी सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, तो भाई जान अब उसकी वीडियो अपलोड करो चैनल यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करो जिससे आपको पैसा मिलेगा। जिस तरह के मैं कमा रहा हूँ, एक तो देखें मैं काम यहाँ पर सऊदी अरेबिया मेहनत करता था, ठीक है, मैंने ये चैनल कोरोना के दौरान बनाया, उसके बाद फिर मैंने वो चैनल छोड़ा, उसका भी मैं काम कर रहा हूँ, दोनों के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने ये एसएसडी टीवी चैनल बनाया, इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह चलो मैं पैसे कमा रहा हूँ, ये नहीं कि नहीं मैं कमा रहा हूँ, मेरे से कुछ छीन नहीं रहा। तो ये मसला है कि मैं अपने जो उधर जहाँ भी रहते हैं ना हम लोग, वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं, इंडियन बांग्लादेशी दोस्त हैं, तो वो देखते हैं तो बड़े हैरान और तवज्जुब की नज़रों से देखते हैं, तो यार ये क्या आदमी करता है, वीडियो बना रहा है ये वो, तो तुम क्या बनाते रहते हो वीडियो, तुम्हें और कोई काम नहीं। वो मसला है यार कि हमें पैसा है, पैसे के लिए हम आए ना इधर, इसके अलावा तो कोई काम करने के लिए नहीं इधर आए, हमें कोई मैसेज तो नहीं आया कि आप आओ तो आपके बिना नहीं काम चलता, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, हम सिर्फ अपने खातिर आए हैं, अपने बच्चों के खातिर आए हैं, अपना मुस्तकबिल बेहतर करने की कोशिश में आए हैं। अगर दो खा रहे हैं तो दो जमा करने की कोशिश करते हैं हम, यानी कि दो रोटियाँ खाते हैं तो दो कोशिश करते हैं, दो रोटियाँ जमा करने की कोशिश करें, यहाँ पर इसीलिए तो हम आते हैं ना, तो कुछ शो करते हैं कुछ शो नहीं करते। ये सीन है कि भाईजान अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो भाईजान पैसे, अब वीडियो अपलोड करते हैं आपको पैसे पाकिस्तान में मिलेंगे, ये नहीं कि आपको पैसे नहीं मिलते। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करो, लोगों की वीडियो देखते हो, 700-800 रियाल का मोबाइल लिया, 1000 रियाल का मोबाइल रखा हुआ, 1100 रियाल का मोबाइल लोगों ने रखा हुआ है, आईफोन रखे हुए हैं, तो बेहतर ये है कि भाई अगर आप खुद पैसे कमाओ,
उस मोबाइल रखने का फ़ायदा क्या अगर आप उसमें पैसे नहीं कमाते। आप वीडियो अपलोड करो और पैसे कमाओ जिस तरह का मैं कमाता हूँ, आप भी अपने मुल्क पैसे भेजो जिस तरह मैं भेजता हूँ। मिसाल के तौर पर अभी काम नहीं है, देखो काम नहीं है, मैं फारग हूँ, तो मेरा महीने का गुजारा पाकिस्तान में चल जाता है यूट्यूब पैसे आने से। अगर ये ना होता तो फिर यहाँ पर मैं फारग हूँ मिसाल के तौर पर, तो मैं यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। मैं वापस ही जाऊँगा ना, क्योंकि मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं फिर वापस ही जाऊँगा ना। इतनी देर तो कोई नहीं बैठता, अगर 3-4 महीने हो चुके हैं मैं तकरीबन फारग बैठे हुए, कभी काम पर चले जाते हैं 1-2-4 दिन काम करते हैं, बाकी ज़्यादातर फारग रहते हैं। कुछ फ़ायदा है हमें बैठने का इधर? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। 1 साल भी बैठे रहेंगे तो हमें कोई नहीं बोलेगा कि तुम भाई चले जाओ, हम इकामा लगवाएंगे तो ठीक है, नहीं लगवाएंगे तो अपने घर एग्जैक्ट लगवा के घर चले जाएंगे। तो ऐसा सीन है भाई जान, ये मैं अपने दोस्तों और भाइयों पाकिस्तानियों को यही कहूँगा, आप कोई भी काम जानते हो तो उसी काम की वीडियो अपलोड करो और पैसे कमाओ। मोबाइल आपके पास है, कोई भी काम करते हो तो ज़रूर आप करो, उसके ऊपर वीडियो अपलोड करो और पैसे कमाओ। माशाल्लाह यहाँ पर देखे स्टॉल लगा हुआ है जी, ज़बरदस्त स्टैंड लगे मोबाइलों के, वो ज़बरदस्त क्या कुछ बेचा जा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो मैंने अपना सारा प्रोसीजर जो भी करता हूँ कराता हूँ सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्त भाई पाकिस्तानी जो कहें हम इससे फ़ायदा उठाएंगे, इन बातों से फ़ायदा भी उठाएंगे। कुछ नहीं है, देखो कुछ लोग ऐसे हैं भाई जो यकीन ही नहीं करते कि यार ये आदमी झूठ बोलता है। मेरे मुझे कमेंट आते हैं, ये नहीं कमेंट नहीं आते, मुझे ऐसे कमेंट आते हैं लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ। देखो मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, उम्र भी किए हुए हैं, इतने उम्र मैंने किए 13-14 उम्र की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, अल्लाह मकबूल करे मेरे उम्र। उसके बाद मैंने हज भी किया हुआ है, मैं झूठ बोलूँगा कुछ भी फ़ायदा नहीं है, मुझे नुकसान होगा उल्टा। मुझे कोई मुझे बाद दुआ देगा आएगा तो यार मैं उस आदमी की वीडियो देखता था वो ऐसा बोलता था, तो मैं नहीं चाहता ये ऐसा काम करूँ। तो बरए मेहरबानी ऐसे कमेंट करने से गुरेज़ किया जाए, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने क्या करना है क्या नहीं। बाकी हम जो सोचते हैं करते हैं वो अपनी मर्ज़ी होती है हर इंसान की, वही करता है ना जो उसकी सोच होती है, तो करना आपने आप खुद ही है जो आपकी सोच है। बाकी मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब्ज़ी मंडी के अंदर, यहाँ पर सब्ज़ी बेची जा रही है। ये बांग्लादेशी भाई यहाँ पर सब्ज़ी बेच रहे हैं, इधर भी सब्ज़ी बेची जा रही है और इधर भी यहाँ पर भी, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस तरह यहाँ पर। ये 5 लाल की तोरियाँ, ये 5 लाल का एक तोरियों का पीस है, यानी कि 350 रुपये का एक पीस है। यहाँ पर पाकिस्तानी मैंगो हैं ये वाले, उसके बाद खजूरें, यहाँ पर रेडी पर खजूरें बेच रहा है बंधु भाई। कितने रुपये किलो है? 10 रियाल किलो है। माशाल्लाह ज़बरदस्त 10 रियाल किलो खजूरें बेच रहा है बंधु भाई। देखिए ये कितने रुपए है? ये 5 रियाल भाई सेम ना है। ये देखिए कैसे खजूरें हैं, और ये देखिए बहुत अच्छी खजूरें हैं यहाँ पर। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तानी भाई ले रहे हैं 10 रियाल हाँ ज़बरदस्त अच्छी है ज़बरदस्त। हमने ये खानी थी वो ले ली है वो उनसे, इतनी गर्मी में खजूरें खाना मुश्किल है यार, अपने मुल्क में तो मुश्किल नहीं है, यहाँ प्रदेश में रहने खजूरें बहुत गर्म होती हैं तो ये बेस्ट नहीं है। यहाँ पर टमाटर और प्याज भी बेचा जा रहा है और थूम भी है, अदरक मिर्ची वो बहुत ज़्यादा रेट लगा रहे हैं क्यों? ये 4 रुपये किलो प्याज। बंधु भाई ऐसा मत करो यार, नहीं यार 3 रुपये लगाओ, तेरा वीडियो बन रहा है। हमारे पाकिस्तानी भाइयों के साथ जो है ना बहस हो रही है, ये बंगाली भाई जो है ना महंगा दे रहा है प्याज, उनको रेट ज़्यादा बता रहा है उनको। मेरा यूट्यूब चैनल है चेक कर ले, मुश्किल नहीं है। ये रोड के ऊपर स्टॉल जो होते हैं ना वो लगाए हुए देते हैं ना, तो इस तरह प्याज बेचते हैं। और यहाँ पर टमाटर बहुत अच्छे हैं, ये सऊदी अरेबिया के टमाटर हैं, बाहर दूसरी कंट्री से नहीं आए। और यहाँ पर ये बांग्लादेशी भाइयों की सब्ज़ी है,
यहाँ पर आया। आज मैं काफ़ी देर के बाद आया, मुमकिन काफ़ी महीनों के बाद यहाँ पर आया हूँ इस सब्ज़ी मंडी के अंदर। मैं इससे पहले नहीं आया शायद, इधर पाकिस्तानी आम है, उसके बाद अंगूर, माल्टे, यानी 12 महीने यहाँ पर फ्रूट भी मिलता है और सब्ज़ी मिलती रहती है। और यहाँ पर फिश की शॉप है, यहाँ पर जो लाइनें लगी हुई हैं फ़िश बिक रही है यहाँ पर। और सामने कपड़े वाली मार्केट्स हैं, ब्लैंकेट, वो सब कुछ। और मेरी ख्याल है कि मैं यहाँ से ही वापस चलता हूँ, तो मेरी ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। और ये छोटी सी मार्केट थी, इतनी बड़ी भी मार्केट नहीं है। जी जहाँ मैं घूम रहा हूँ ना, मैं तकरीबन एक किले गवाया होगा, किले गवाया, हम पंजाबी लोग हैं ना तो हम यही कहेंगे ना। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी ऐसे बेची जा रही है बस, और कोई यहाँ पर सीन नहीं है ऐसा। लेकिन ये है कि यहाँ पर सस्ती मिल जाती है, बंगाली भाइयों से ना सब्ज़ी वगैरह हमें सस्ती मिल जाती है, बस ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो कि ज़्यादा ख़रीदनी होती है ना, अगर प्याज वगैरह ख़रीदने हों या ऐसी चीज़ें, तो हमें यहाँ से मिल जाते हैं ज़्यादा। जिस तरह के ये देख सकते हैं, कितने का एक कार्टून दे रहा है, किधर है वो बंगाली भाई, इधर है ही नहीं। यहाँ से तो हमने पहले खजूर खाई ना, अब दोबारा जाएंगे तो हम मारेगा बंगाली भाई कि यार तुम क्या फ्री में 10 रियाल की खजूरें खा रहे हो। और उधर जो मौलवी है ना, ये हमारे मोहल्ले का मौलवी है। ये मुझे जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ पर ही रहते हैं खान साहब, मौलवी साहब, और मुझे बहुत ही हैरत की नज़र से देखते हैं। लेकिन माशाल्लाह ज़बरदस्त। अरे माशाल्लाह यार, पाकिस्तानी आम है ये भाई, 10 रियाल किलो है। कितने रुपए किलो है मैंगो, कितने 8 रियाल, ये भी 8 रियाल। चलो ठीक है, ये भी नहीं लेंगे, गर्मी तो पहले बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पर। जिस शहर में रहता हूँ इधर तो गर्मी ने बहुत ज़ोर कर रखा है, तमाम शहर में रहते हैं ना, तो तमाम शहर में गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, तो इसलिए ये गर्म चीज़ों से परहेज़ करना पड़ता है, खजूरें वगैरह, ये मैंगो वगैरह। और यहाँ पर तो माशाल्लाह चलो काफ़ी बिकते हैं, ये पाकिस्तानी मैंगो है। कितने रुपये किलो है यार? 10 रुपये। वो पीछे 8 रुपये बेच रहा है यार, तुम यार ऐसा तो मत करो ना। देखो बंगाली भाई, देखो कितना अकड़ हुआ है जी, कि बोलता है जाओ जी उधर से ले लो आप, तो पीछे 8 रियाल से मिल रहा है, आप इधर 10 रियाल बेच रहे हो। स्टॉल लगे हुए हैं ना, तो स्टॉल पे ऐसे ही होगा। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त, मोहम्मद असफ़ को अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने कहा।